हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी साड़ी पर रुमाल कैसे टक कर सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं सरोजिनी सरोजिनी, वो काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो आज खास उन्हीं की फरमाइश पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप साड़ी पर रुमाल को कैसे टक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टाइल में आप एक रुमाल को ट्रायंगुलर शेप में हाफ फोल्ड कर लीजिए एंड दैट्स इट। अब इसे कॉर्नर से पकड़कर आप अपनी साड़ी के अंदर टक कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल स्टाइल है रुमाल टक करने का। अगर आप नहीं चाहते कि आपका रुमाल लोगों को दिखाई दे तो आप इसे अपनी राइट हैंड साइड पर भी साड़ी के अंदर टक कर सकते हैं। पल्लू की वजह से आपका रुमाल बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। सारे स्टाइल के साथ आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे स्टाइल के लिए आप अपने रुमाल को एक बार फिर से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर लीजिए और एक बार फिर से फोल्ड कर लीजिए और आपको मिलेगा एक छोटा ट्रायंगल। और इसे कोने से पकड़कर आप अपनी साड़ी के अंदर टक कर लीजिए। ये सिंपल सा स्टाइल भी बहुत स्टाइलिश लगता है। तीसरे स्टाइल के लिए आप अपने रुमाल को थोड़ा सा तिरछा ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद इसे राइट हैंड साइड से फोल्ड कर लीजिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड को इसके ऊपर ओवरलैप कर दीजिए और देखिए एक और बेहतरीन स्टाइल रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसे टक करके दिखा देती हूँ। चौथे स्टाइल के लिए आप अपने रुमाल को तिरछा कर लीजिए, जैसे कि डायमंड शेप होती है। और अब आप अपने रुमाल को फैन फोल्ड कर लीजिए, जैसे कि हम लोग फैन बनाते हैं उस शेप में आप इसे फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद आप इसके बीचों बीच में रबड़ लगा दीजिए। मैंने इसके बीचों बीच में रबर बैंड लगा दिया है और देखिए कितना ब्यूटीफुल, एकदम बटरफ्लाई के जैसा इसका स्टाइल बन गया है। अब मैं इसे भी आपको अपनी साड़ी में टक करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। पांचवे स्टाइल के लिए आपको अपने रुमाल को सीधा रख लेना है और इसे भी फैन फोल्ड कर लेना है, जैसा कि हमने पिछले स्टाइल में किया था। और इसके बीचों बीच में भी मैं रबर बैंड लगा दूंगी ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। और देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बो के स्टाइल में हमारा रुमाल रेडी हो गया है। इसे भी मैं टक करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। छठे स्टाइल के लिए आप अपने रुमाल को ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल सेंटर से आप राइट हैंड साइड से फोल्ड कर दीजिए, फिर सेम तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से भी फोल्ड कर दीजिए और आपको लोटस की तरह शेप में ये स्टाइल मिलेगा। कोने से पकड़कर आप इसे अपनी साड़ी के अंदर टक कर लीजिए। ये सिंपल सा स्टाइल बहुत ही एलिगेंट लगता है।
सातवें स्टाइल के लिए आप अपने रुमाल को हाफ में फोल्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद एक और हाफ फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप दोनों साइड से अपने रुमाल को फोल्ड करके कोन की शेप दे दीजिए और हमारा एक और स्टाइल बनकर रेडी है। और बस कोने से पकड़कर आप इसे अपनी साड़ी के अंदर टक कर लीजिए। आठवें स्टाइल के लिए आप ट्रायंगल शेप में रुमाल फोल्ड कर लीजिए, फिर सेंटर पर उंगली रखते हुए दोनों साइडों से वीडियो में दिखाए गए तरीके से फोल्ड कर लीजिए। आपको इस तरीके का कुछ शेप दिखेगा। उसके बाद आप इसे बीचों बीच से फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद एक एक करके इसकी सारी फोल्ड्स को खोल दीजिए। आपको बहुत ही अच्छा जिगजैग पैटर्न मिलेगा। इसे कोने से पकड़कर आप अपनी साड़ी के अंदर टक कर लीजिए एंड दैट्स इट। नौवें स्टाइल के लिए आप रुमाल को ट्रायंगल फोल्ड कर लें, उसके बाद एक और फोल्ड कर लें, उसके बाद सेंटर में से आप इसे एक बार फिर से फोल्ड कर लें और आपको जिगजैग पैटर्न मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा जिगजैग पैटर्न बन चुका है, तो अब मैं इसे टक करके दिखा देती हूँ। दसवें स्टाइल के लिए आप अपने रुमाल को हाफ फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद एक और हाफ फोल्ड कर लीजिए, तो आपको एक छोटा स्क्वायर पैटर्न मिलेगा। इसे कोने से पकड़कर आप अपनी साड़ी के अंदर टक कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल और बहुत कॉमन स्टाइल है साड़ी में रुमाल टक करने का। काफ़ी सारी लेडीज़ यही स्टाइल यूज़ करती हैं साड़ी में रुमाल टक करने के लिए। ग्यारहवें और लास्ट स्टाइल के लिए आप अपने रुमाल को वीडियो में दिखाए गए तरीके से फोल्ड कर लीजिए, फिर इसे राइट हैंड साइड से फोल्ड कर दीजिए और फिर लेफ्ट हैंड साइड से। पिछले स्टाइल में हमने ओवरलैप किया था और इसमें ओवरलैप नहीं किया है। और ये लीजिए, एक और बेहतरीन जिगजैग स्टाइल तैयार है। इसे अपनी साड़ी में टक कर लीजिए। तो मैंने आपको पूरे 11 तरीके दिखा दिए हैं कि आप रुमाल को अपनी साड़ी में कैसे टक करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की है, तो अगर हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।